तो मैं हर साल की तरह इस बार भी आईफोन लेके आने वाला है अपनी न्यू सीरीज जो कि होने वाली है आईफोन 15 सीरीज। तो आज के वीडियो के अंदर आपको आईफोन 15 सीरीज से रिलेटेड सारी की सारी लीक वगैरह बताने वाला हूं कि किस टाइप का उसके अंदर आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर बार की तरह इस बार के iPhone सीरीज के अंदर भी आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे जो कि होता है iPhone 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। हर बार की तरह इस बार के अंदर भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं और सीरीज के मुकाबले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के ओवरलुक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। नॉन प्रो के अंदर आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और जो कि प्रो वेरिएंट होगी उसके अंदर आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और ऊपर की तरफ कैमरा की बात करें तो भाई कैमरा आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलने वाला है पिछली सीरीज से अगर आप कंपेयर करें। और साथ में इस बार आपको सभी सीरीज के अंदर भाई डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलने वाला है जो कि इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया बात है। मतलब पिछली बार का अगर आप आईफोन 14 लिया होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको कोई भी ऐसे डायनेमिक आइलैंड वगैरह देखने को नहीं मिलता था, तो इस बार आपको भाई नॉन प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके साइड की लुक की बात करें तो भाई साइड में जो आपको इसके अंदर जितने भी बटन वगैरह देखने को मिलते थे वो इस बार आपको हैप्टिक टच वाले देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई आप वो आईफोन 6 या 7 के अंदर जो नीचे बटन वगैरह देखने को मिलता था उस टाइप का ये होने वाला है जिसके अंदर आपको लगता था कि भाई जैसे आप उसको बटन को क्लिक कर रहे हैं वो क्लिक हो रहा है, मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइप आपको ऐसा लगता था, फील होता था, लेकिन वो असल में होता नहीं था। तो उसी टाइप के आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको काफी ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। नॉन प्रो के अंदर आपको एल्युमिनियम बिल्ड देखने को मिल जाएगी और इस बार लीक इस टाइप की आई है कि आपको प्रो वर्जन के अंदर टाइटेनियम की बॉडी देखने को मिलने वाली है। मतलब उसके अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी और साथ में पकड़ने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम वगैरह होंगे वो। और अगर इसके बैक की बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी बैक एकदम आपको प्लेन देखने को मिल जाएगी, कोई टेक्सचर वगैरह नहीं, कोई नया डिजाइन वगैरह नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बस इसके अंदर आपको एक नया कलर देखने को मिल जाता है जो कि आता है कुछ डार्क मैरून टाइप का कुछ कलर निकल के आया हुआ है लीक के हिसाब से, कुछ उस टाइप का आपको नया कलर देखने को मिल सकता है। और साथ में बैक में अगर हम कैमरा की बात करें जो कि आईफोन का प्लस पॉइंट है जिस वजह से ज्यादातर बंदे आईफोन वगैरह को लेते हैं कैमरा के लिए, तो भाई इस बार आपको कैमरा के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिल जाते हैं। लेकिन आपको जो प्रो वर्जन होगा उसके अंदर जो आपको थर्ड कैमरा होता है जो कि जूम इन वगैरह के काम आता है, तो इस बार आपको पेरिस्कोपिक अरे क्या बोलते हैं भाई इसको पैरास्कोपिक आपको उसके अंदर लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि भाई आपके जूम वूम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसके अंदर जूम वगैरह होगा। और हर बार की तरह भाई ऐसा नहीं कि भाई आपको थोड़ा बहुत जूम करेंगे और उसकी पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी और जूम भी अच्छा नहीं होगा और हर बार सैमसंग की बाजी मार देगा, लेकिन भाई इस बार आपका आईफोन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फोटो वगैरह खींच लेगा अगर आप जूम वगैरह करते हो। और साथ में जो आपको साइड में सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते थे ना वो भी इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में अगर आप इसके मेन कैमरा की बात करें तो वो आपको 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलने वाला है आपको प्रो वर्जन के अंदर, और नॉर्मल वाले के अंदर आपको जो मिलता था वो उसी टाइप का मिलने वाला है। लेकिन भाई इस बार आपके कैमरा के सेंसर थोड़े बड़े हो जाएंगे, उस वजह से कैमरा भी शायद से आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप वीडियो क्वालिटी वगैरह देखोगे तो उसमें भी शायद कुछ इंक्रीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और हर बार की तरह भाई इस बार आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाने का मौका मिल जाएगा और यूट्यूबर वगैरह में तो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ये फोन होने वाला ही है। और साथ में अगर इसके हार्डवेयर की बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन से आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो नॉन प्रो के अंदर आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपका नॉर्मल वाला पिछले सीरीज के अंदर भी था A16 बायोनिक चिप, वो आपको नॉर्मल प्रो के अंदर देखने को नहीं मिलती है, आपको नॉन प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है। और प्रो वर्जन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है A17 न्यू वाली बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है और उसके कुछ अंतु स्कोर वगैरह भी लीक वगैरह भी हुए थे वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा अगर मेरे को मिल जाएंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े इसके मेरे को लगा कि इसके काफ़ी ज़्यादा तगड़े इसके अंतु स्कोर वगैरह आए हैं, बेंचमार्क वगैरह आए हैं, तो भाई वो तो देखो तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है आपकी गेमिंग वगैरह और आपका जितना भी डेली लाइफ वाला काम होने वाला है वो सब एकदम तगड़ा होने वाला है। और इस बार का मेरे को लग रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इस बार के आईफोन सीरीज के अंदर आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है वो है नीचे की तरफ आपको टाइप सी वाला पोर्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद अब आपका लाइटनिंग पोर्ट से पाला छूटने वाला है, मतलब अब आप टाइप सी से आराम से फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी भाई आईफोन ने अपने गेम चला दी है, नॉन प्रो के अंदर आपको थोड़ा कम वाला देखने को मिल जाएगा, मतलब स्पीड वगैरह कम देखने को मिल जाएगी टाइप सी वाले पोर्ट के अंदर, और प्रो वाले के अंदर आपको ज़्यादा स्पीड वगैरह देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो आईफोन चेंज वगैरह तो कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा
और कंपनी वगैरह थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये टाइप सी वगैरह चला रहे हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा देशों ने बोला कि भाई अब आप टाइप सी लगा दो वरना ये एक्स्ट्रा वगैरह कचरा वगैरह होता है आपसे लाइटिंग बोर्ड वगैरह से, ये अलग से एसेसरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस बार टाइप सी लाने का सोच लिया। दैट्स इट, यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी आपको तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे आपको सब्सक्राइब करने का बटन दिखाई दे रहा होगा ना तो उसको जल्दी से दबा देना। और भाई आज की वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन बताई वो सारी लीक के हिसाब से, तो इसमें से कुछ भी अगर आपको गलत लग रहा है कि ये गलत है, इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है आईफोन सीरीज के अंदर, या फिर कभी आईफोन सीरीज जब लॉन्च होगी तब इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देखने को मिल जाएगी, तो मैनेजर वगैरह कर लेना भाई, ये सभी लीक वगैरह होती हैं, ये 100% श्योर नहीं होती है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।